सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द ऑल न्यू BMW G310R के बारे में। मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल 300cc क्लास बाइक यू कैन फाइंड आउट इन इंडियन मार्केट। 265,000 रुपीज स्पेसिफिक कलर का, विच इज कॉस्मिक ब्लैक 2। एक शोरूम प्राइस है जयपुर की बात करूँ यहाँ पर। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 98। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको लुक्स दिखा देता हूँ बाइक का। बहुत ही प्रीमियम लुक आते हैं, बहुत ही शानदार लुक आते हैं। दिस इज द BMW G310R। BMW का यहाँ आपको लोगो देखने को मिलता है। मोस्टली लोग इसी शानदार लोगों की वजह से इस कमाल की बाइक को खरीदते हैं। यहाँ पर R लिखा है, विच इज G310R, एंड ये कॉस्मिक ब्लैक 2 है। ब्लैक में बहुत प्रीमियम लगती है लिटरली बाइक, बिकॉज जो गोल्डन इसके फ्रंट आपको सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, यहाँ पर एक ब्लैकड आउट लुक आता है, दैट लुक्स रियली प्रीमियम। यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है। दिस इज़ अ वेरी गुड नेकेड स्ट्रीट बाइक। सिटिंग पोजिशन बिल्कुल अपराइट है, बहुत कंफर्टेबल बाइक है। सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं इस बाइक के, बहुत ही प्रॉमिसिंग है। थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। फ्रंट टायर आता है 110/70 सेक्शन का, 17 इंचेस के आपको यहाँ पर अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। जो ब्रेक्स है उसके अंदर आपको डुअल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको अपसाइड डाउन सस्पेंशन सिस्टम देखने को मिलते हैं। कंप्लीट LED हेडलाइट क्लस्टर, विच इज़ रियली नाइस। इसकी जो एक विजिबिलिटी है, जो थ्रो है, वो भी बहुत अच्छा है। BMW का यहाँ लोगो मिलता है, विच लुक्स रियली प्रीमियम, एंड BMW का लोगो है तो यार मज़ा तो आना ही है बाइक के अंदर। कुछ इस प्रकार का आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, विच गिव्स ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट अ राइडर नीड्स। बहुत ही कमाल का एक बिल्कुल बेसिक आपको यहाँ देखने को मिलता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बहुत यूज़र फ्रेंडली है। लेफ्ट साइड में आपको हाई बीम, लो बीम इंडिकेटर, हॉर्न, पास बटन का स्विच देखने को मिलता है। राइट साइड में आपको किल स्विच और इग्निशन स्विच देखने को मिलता है। फ्यूल टैंक जो है कुछ इस प्रकार का आता है। इसके ऊपर आपको यहाँ पर काफ़ी बढ़िया आपको पैनल्स देखने को मिलेंगे। काफ़ी एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी स्टर्डी बाइक है। यहाँ पर आपको जो इंजन देखने को मिलता है, विच इज़ वेरी स्मूथ, बहुत ही अच्छी। यहाँ पर आपको गियर शिफ्ट्स देखने को मिलती है, बहुत स्मूथ गियर शिफ्ट्स है। बट इसका जो एक बहुत ही कमाल की बात यह है कि ये 390 जितनी बहुत खतरनाक एग्रेसिव नहीं है। इसका जो एक आपको पिकअप देखने को मिलेगा, जो इसका टॉर्क देखने को मिलेगा, बहुत स्मूथ है, बहुत लीनियर, बहुत ही मतलब एक बढ़िया बाइक है। एक ऐसी बाइक है 300cc कैटेगरी में जिसको आप सिटी में बहुत ही ईजिली जा सकते हो। इसकी ये बहुत ही शानदार बात है। रियर में आपको यहाँ पर मोनोशॉक देखने को मिलता है। सिंगल सीट है, स्प्लिट सीट सेक्शन यहाँ नहीं आता है। यहाँ पर जो सीट की कुशनिंग है वो बहुत अच्छी है, बहुत कम्फर्टेबल बाइक है। इसका सस्पेंशन जो है बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, एंड ये एक ऐसी बाइक है जिसको आप कितना भी लंबा चला सकते हो। बिकॉज आई हैव द कॉन्फिडेंस ऑन दिस बाइक, एंड मुझे बहुत ही ये प्रॉमिसिंग, बहुत ही सही बाइक लगती है। टेल लाइट कुछ इस प्रकार की आती है, LED इंडिकेटर्स आते हैं, रियर में डिस्प्ले आता है डुअल चैनल ABS के साथ, एंड यहाँ पर ओवरऑल जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा सही है। ओवरऑल 150/60 सेक्शन का टायर आता है। यहाँ पर आपको जो क्वालिटी है वो अच्छी देखने को मिलेगी। सेम 17 इंचेस के आपको यहाँ अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। साइड एग्जॉस्ट आता है बाइक के अंदर। एग्जॉस्ट नोट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सुपर बाइक जैसा नहीं है, बट रियली अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए BMW की जो बहुत ही ईजी टू मेनटेन हो, माइलेज जिसका बहुत खतरनाक हो, लुक्स में कमाल की हो, लॉन्ग राइड्स आप जिस बाइक पर कर सकें, कॉन्फिडेंस जिस बाइक पर आपको मिले, डेफिनेटली बजट के अंदर तो BMW G310R से अच्छी मेरे हिसाब से कोई बाइक नहीं। बिकॉज आई एम अ रियली बिग फैन ऑफ नेकेड बाइक्स। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगती है, बिकॉज चलाना बहुत ईजी है, मनीवरेबिलिटी बहुत अच्छी लगती है, हैंडलिंग बहुत कमाल की होती है, ओवरऑल जो यहाँ पर आपका कनेक्टर रहता है बाइक के साथ वो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे पर्सनली तो एक बाइक बहुत पसंद है। आपको कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड डेफिनेटली आपको BMW की G310R अच्छी लगती है या G310GS अच्छी लगती है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड मुझे पर्सनली यहाँ पर G310R ज़्यादा बेटर लगती है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो मेरी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, आई एम जस्ट 5'9", तो मुझे ये चलाना बहुत ही ईजी लगती है। वैसे इस बाइक को चलाने के लिए आपकी हाइट अगर 5'6" से ऊंची है तो आप बहुत ही ईजिली चला सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड बाइक। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, इसकी ये बहुत खास बात है, एंड दिस इज़ अ वेरी ईजी टू राइड बाइक। इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है, सिटिंग कंफर्ट बहुत बढ़िया है। अगर आप पिलियन को भी साथ लेके जाएंगे तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी यहाँ पर, एंड ओवरऑल हर एक चीज़ इस बाइक के अंदर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी की देखने को मिलती है। एंड लुक मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, दिस इज़ कॉस्मिक ब्लैक 2 कलर। 265,000 रुपीज़ इज़ द एक्स शोरूम प्राइस ऑफ दिस BMW G310R। आपको ये बाइक कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको
हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, यहाँ लिख क्या होगा throttle_98 इसमें इंस्टाग्राम हैंडल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ इट, सी यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी हैप्पी एंड राइड सेफ, बाय बाय।